जगदीप धनखड़ जब राजस्थान विधानसभा का सदस्य था तो आरएसएस के बारे में क्या कहा, मैं बताऊं? सुनो, मुझे पता है आपकी पार्टी के अंदर इतनी गोपनीयता नहीं है कि मुझे नहीं पता लगे। सुनिए, आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था, और जब से मेरा परिवर्तन हुआ, नड्डा जी, जब से मेरा परिवर्तन हुआ मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा। मैं यहां पर यह भी चर्चा करना चाहूंगा, अब खड़गे जी चले गए, हमारे बड़े आदरणीय हैं, मैं सोच रहा था कि वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन चलिए, हमारे उनके साथी यहाँ पर हैं तो वो वैसे भी वो एक्टिव रहते हैं तो वो हमारी बात सुनेंगे और उन तक मेरी बात पहुँचाएंगे। मुझे कल समझ में नहीं आया कि खड़गे जी राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोल रहे हैं या चुनावी भाषण बोल रहे हैं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं मिला, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण की दृष्टि से जिन मुद्दों को डेवलपमेंट की दृष्टि से राष्ट्रपति जी ने टच किया उस पर बोलते, पर मुझे लगा कि उनको ध्यान में अभी भी चुनाव का वो बैकग्राउंड में उनके ध्यान में है, इसलिए वो चुनावी मंच की तरह उसको उपयोग कर रहे थे। यहाँ भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा हुई। मुझे अंबेडकर जी के बारे में जो उन्होंने कहा वो कष्ट देने वाला भी था और विडंबनापूर्ण भी था। आपने ऐसे भावुक तरीके से बोला जैसे बाबा साहब अंबेडकर के साथ आपका ऐसा संबंध है, देवराज जी के साथ मेरा है, वो तो मेरा है ही, इसीलिए मुंह से निकला और वो बारंबार निकलेगा। लेकिन अभी मैं भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहा हूं, तो उसके साथ ऐसा संबंध लगा और वो लगा जैसे बहुत दुखी है कि जैसे उनकी इज्जत नहीं हुई। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न जब दुखी होकर के नेहरू कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उनको इस्तीफा के बाद इसी हाउस में इस्तीफा पर वक्तव्य रखने से नहीं दिया गया था, उसकी परमिशन नहीं थी। ही कुड नॉट प्लेस एंड ही कुड नॉट स्पीक द रीजन ऑफ रेजिग्नेशन, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, कि उनको अपने बाबा साहब को यहां पर हाउस में जय राम जी। सर, आई जस्ट वांट द ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस टू रिविजिट द रिकॉर्ड्स ऑफ दैट डे एंड सी व्हाई दैट परमिशन वाज नॉट ग्रांटेड बाय द चेयर। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, सो ऑगस्ट अक्टूबर 12, 1961। यू हैव अ मास्टर हिस्टोरियन देयर। वन सेकंड जय राम जी, आई थॉट यू वर डिस्प्यूटिंग इट। You are not disputing it, you are going beyond it. You may continue. Chairman sir, I must thank Jairam Ramesh for substituting that what I am saying is correct. But he wants you to say more. हाँ, तो अब वो इस्तीफा दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया और भीमराव अंबेडकर को दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब खड़गे जी के दिल में अभी भी टीस है, मैं उनकी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन अपने कांग्रेस भाइयों से पूछे ना कि जो आप इधर हमारे से पूछ रहे थे, आपके कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल किया उनका, कैसे देखा उनको। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं, नड्डा जी, 1990 में आई वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा, 1990 के दो महीने बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में लंबे अंतराल के बाद भारत रत्न उनको दिया गया
और अप्रैल 1990 में सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट अनवील किया गया और पोर्ट्रेट अनवील करते समय यह ध्यान रखा गया कि पोर्ट्रेट्स का मूवमेंट कैसे हो। और तब मैंने जानकारी की कि जब से सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट लगे हैं उनका मूवमेंट होता रहा है, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। आपने 1993 की बात की, शायद आप भी उस समय विधायक होंगे, मैं भी विधायक था। जो आपने कहा मैंने भी आंखों से देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था और कांग्रेस पार्टी से मेरा गहरा नाता रहा है। स्वीकार नहीं, मैं कभी कोई चीज को स्वीकार करने से हिचकिचाता नहीं। पर एक समय था जब मैंने ये कहा था, जिसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं जयराम जी, कि जगदीप धनखड़ जब राजस्थान विधानसभा का सदस्य था तो आरएसएस के बारे में क्या कहा। मैं बता, सुनो, मुझे पता है आपकी पार्टी के अंदर इतनी गोपनीयता नहीं है कि मुझे नहीं पता लगे। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं, तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो। मैंने कह दिया है, मैं जनवरी 1994 ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था क्या? मैं एकलव्य बनाऊं 25 साल पहले। सुनो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था। और जब से मेरा परिवर्तन हुआ नड्डा जी, जब से मेरा परिवर्तन हुआ मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज, नो, प्लीज नो। जयराज जी समझिए जरा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, जिसका जिक्र अभी हमारे चौहान साहब ने भी किया और मादिक साहब ने भी किया, वो जो 1952 का चुनाव अंबेडकर जी लड़ने गए तो उनके विरुद्ध नेहरू जी खुद प्रचार में गए। ही हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शनरी अगेंस्ट भीमराव अंबेडकर। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप देखिए मज़ा है, इनका ईवीएम से जो बैर है वो बड़ा पुराना है। उस समय भीमराव अंबेडकर जी 14,000 वोट से हारे और इनवैलिड वोट 78,000 हुए। इसलिए बैलेट पेपर से इनका पुराना प्यार है, 78,000। और आजाद भारत, उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि यह चुनाव में धांधली हुई है। हमने नहीं कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है। और इसी तरीके से जो हमारे धनंजय कीर हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र, वह इस बात की पुष्टि करते हैं, जो पद्म भूषण आपकी सरकार ने दिया, वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी को हराया गया, इस बात को उसमें कहते हैं। उसी तरीके से जो आपने भी कहा कि 1990 में, जिसका आपने जिक्र किया कि यानी भारत रत्न मिलते मिलते 1990 हो गया, जब कांग्रेस की सरकार गई
अब खड़गे साहब को बाबा साहब अम्बेडकर जी से बहुत हमदर्दी है, व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी में है उसको हमदर्दी कभी नहीं रही, ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ, कभी नहीं।